तो हेलो गाइस। तो गाइस नए व्लॉग के करते हैं शुरुआत। और गाइस काफ़ी दिन बाद तो मैं देखने को मिला होगा, मैं फ्लैट पाया हूँ। रीज़न आपको पता लग ही जाएगा, अभी बता देंगे थोड़ा अपने व्लॉग में भी, निशी ने तो बना बताया है। और गाइस तुम बताओ कैसे हो। और बहुत मतलब कि कमेंट भी उल्टे सीधे आ रहे। तो गाइस घर में छोटी मोटी लड़ाई चलती रहे, तो कमेंट ऐसे वैसे मत करा करो, अच्छे कमेंट करा करो। बहुत से कमेंट करते हैं कि सॉल्व कर लो, मतलब कि अच्छे कमेंट करे। और जो नेगेटिव का कमेंट करे है ना कि ये कर दे वो कर दे इसको छोड़ दे और, अरे भाई मुझे एक बात बताओ, किसके घर में लड़ाई ना होती। मैंने ये चीज़ कई बार व्लॉग में बोल रखी है, तुम्हारे मम्मी पापा की भी लड़ाई होती होगी, तुम्हारे मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाएगा एकदम, बताओ। तो ऐसे कमेंट मत करा करो यार, अच्छे अच्छे मतलब कि घर बसाने वाले कमेंट करा करो कि सॉल्व कर लो लड़ाई। कोई नहीं, लड़ाई तो सबकी होती रहती है। और मेहर निशी क्योंकि मतलब कि मेहर निशी की ना छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जावा, बहुत बढ़ जावा छोटी छोटी बात पे। और जो अब भी लड़ाई हुई ना तो बहुत छोटी सी बात ही, तो बढ़ती 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जा, ये कुछ कहवे मैं कुछ कहूँ तो इसलिए। बाकी हम आ गए फ्लैट पे, अब चल रही है भैया दिवाली की सफाई। अभी दिखाता हूँ निशी सफाई कर रही है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये जो रात को हम सामान लेकर आए ना, कितना सारा सामान है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इतने सारे बैग भर के सामान लेकर आए, क्योंकि मेरा सारा सामान भी वही है। और अब निशी लग रही है सफाई में, ये देखो अलमारी में। हाँ भाई कैसी है? मैं हमेशा की तरह ठीक ही हूँ, है ठीक ही रहती हूँ। ठीक ही है। काम करवा बाबा, वहां पे तो ये बोल रहे थे। मैंने बोला ऐसा भी, मेरी तबीयत खराब है, कह रहे मैं हेल्प कराया करूंगा तेरी, जब चाहे वो पढ़ी हुआ हेल्प तो ना करा। क्या हेल्प ना कराई, ना कराई। तो हेल्प करी आपने मेरी, मान ली ना। गाइस मैं लेकर आ रहा हूँ अभी दूध, क्योंकि हमने अभी ब्रेकफास्ट भी ना करा, चाय वाय कुछ नहीं, उठते ही काम में लग गई। तो क्योंकि दिवाली आ रही है, साफ सुथरा घर अच्छा लग रहा है। जाले वाले देख रही हो? कहीं जाले वाले नहीं लग रही हो? जाले वाले अभी सारे उतार रही हूँ, पोचे मार रही हूँ अच्छे से, और फिर अगर हो गए फ्री तो शाम को ही चलो मेरे साथ चांदनी चौक काहे दिवाली का सामान लाने। मैंने चांद देखा है इतनी अच्छी अच्छी लड़ियाँ, आप कह रहे हो ना इतने की मिलती हैं, वो बॉल्स वाली और ऐसी स्टार वाली, ये 350 की है ये स्टार वाली। और जो पुनीत लेके आया ना 150 में, इससे बड़े स्टार की लड़ी लेके आया है, क्योंकि वहां लगाएंगे बाहर सोफे के, वहां एक लगाएंगे यहाँ गैलरी पे। अच्छा, जम 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 करेगी घर है। और क्या, दिवाली में तो करते ही हैं। और वो वाले दिए लाएंगे यार, लोग पता ना कैसे हो गए हैं, क्या हुआ? वैसे दिए जला रहे हैं आजकल वो जो वैसे आते हैं जो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वाले, बटन वाले, मगर दिए अच्छे वही लगते हैं तो जो वही तो कह मट्टी रही हूँ, दिए वाले। तो तेल वाले ही अच्छे लगते हैं। लोग सोच रहे हैं तेल की बचत, बत्ती की बचत, सेल लगाओ और दिए जला दो। अरे यार मतलब इतने भी मॉडर्न क्या हो हम तो ना, दिए लेके आएंगे वैसे मट्टी वाले सारे, है वही ना। तो। चल मंदिर मंदिर में लगाने के लिए आओ 4-5, पर इतने भी के मॉडर्न हो ना पिछली बार भी कि हमने जो वहां जगतपुर में लगाए वो दिए मट्टी वाले लगाए। अम्मी भट्टी वाले लगाते हैं मट्टी हमेशा वाले ही अच्छे लगे वो। ना। वो जो आ रहे हैं ना अब, वो शो के लिए तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, पर यार वो थोड़ी हर चीजें अब तुम भूलते जाओ और शो शाम में होते जाओ। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा अब। और मेन दिवाली तो उससे ही होती है, दियो से, ये फुलझड़ियां और लाइटों से ना होती, नहीं तो चॉकलेट गाइस बहुत जो खा लो। पता आपका की हुआ, आपके जो हमारी लड़ाई हुई ना, मैं सोच रहा हूँ ये मुझसे सॉरी बोलेगी, और ये सोच रही मैं इससे सॉरी बोलूंगा। तो हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई, बस बताओ क्या। देखिए मैंने इससे सॉरी बोल ली पहले, इसे मतलब सरप्राइज दिया। ये मुझे कदी सरप्राइज नहीं देती, ऐसा सॉरी बोल के सरप्राइज पहले जिंदगी में दे जितने सरप्राइज तुम्हें दिया ना, दे। इतने अगर मैंने अपने घर वालों को दिए होते ना, आज मेरे घर वाले मेरे गुणगान गा रहे होते। मैं जितनी इस आदमी की सुनी है ना, मैंने इतनी किसी की नहीं सुनी कि, और अब भी लड़ाई के बाद जितनी गालियां उल्टी सीधी बातें सब मैंने सुनी है ना, अगर कोई और होती ना मेरी जगह, जितनी चीजें मैं कॉपरेट कर रही हूँ, मेरी जगह कोई और होती अब तक छोड़ के भग गई होती तुम्हें, अच्छा जैसे आप हो। मैं, अच्छे मेरे को पता है मैंने सब चीजें कैसे सही है, कैसे गाइस कॉपरेट देखो कर रही इसने है, मुझे 4,000 रुपए आवाज की है। पलक हाँ मेरा इतना नुकसान हुआ ना, मेरे से मत बोलो, और मेरे करवा चौथ की तो बात मेरे से करो ही मत, बस जाओ आराम से, रखी हटा लो अपनी, है। मैं ना टाला हटा लो, पलक तो दिखा अपनी, मैं क्यों दिखाऊंगी, रो रही है के रो लगी के। नहीं रो रही। मैंने बोला है जब तक मेरे से करवा चौथ की बात मत करो। ठीक है हाँ, तो चांदनी चौक पे हम। हाँ ठीक है, चांदनी चौक चले ना हैं अपने, चले चली जाऊंगी अपना।
और गाइस निशी थोड़ी पतली भी हो रही है, तो मैं देखने देखो पहले कितनी मोटी लगा करी है, पतली हो रही है, इसका वजन भी घट गया। पहले 70 कितना, 4 किलो 75 था, 69 है। तो गाइस इसका 6 किलो वजन घट गया है, पता ना टेंशन में घटा या बीमार होगी इसलिए घटा है मगर घट का चल अच्छी बात है। तो मैं इसे मतलब कि ऐसी तंग कर करूँगा तो इसको और ज़्यादा वजन घट जाएगा, है ना गाइस? कमेंट करके जरूर बताना मगर परेशान हो जाना, बहुत टेंशन में हो जा रहा है तो इसलिए ही घटा है इसका। टेंशन सिर्फ ही मेरी ले रहा है, चलो गाइस तो सफाई वफाई कर लेते हैं फिर मिलते थोड़ी देर। मेरी मेहंदी लग रही थी ना हल्की ना हो जाए इसलिए। देख ले मैं कितना प्यार करूँ, अभी तक हल्की ना हुई मेहंदी, प्यार ना प्यार ही है ये तो मेहंदी महंगी है रे महंगे सब छूट जावे, ये प्यार है जो अभी तक मेहंदी ना छूटी। पांच हजार की है, कितने की हो? पांच की हो, छह की हो, मगर यू प्यार हो कर सब देखेगा। इस प्यार में भी ऐसी रची पड़ी है, अब भी देखा ये हो है प्यार। जिस दिन से मेरी मेहंदी लगी है ना मैं नहा भी ऐसे रही हूँ आधे मग्गे पानी में। चलो गाइस तो मैं अब दूध दूध ले आता हूँ और फिर पढ़ा ब्रेकफास्ट में। कपड़े मम्मी के सारे, मेरे कपड़े कौन है? तुम ले गए थे ना? कौन मेरे कपड़े? तुम ले गए थे ना गाइस? मेरे कपड़े सारा खा लिए, इतनी लड़ाई पड़ गई हमारी। मैं बताता हूँ, मेरे पॉन्चेस बैग पड़े हुए, सारे बैग मेरे ही है कपड़ों के। आप क्यों लाए हो? मत लाते अब भी। चलो गाइस तो मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बाबा। तो गाइस मैं ले आऊंगा सनफिस्ट बिस्कुट है और 3 दूध की थैली है। महारानी की कर रही है पता ना, देखते हैं। हाँ भाई महारानी कहाँ कर रहा था? चद्दर बिछा दी, अभी ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। ओहो चद्दर बिछा दिया तो नहीं, लोग वाक कमेंट बहुत कर रहे हैं कि चद्दर तो बदल लग रहो। अरे गाइस मेरे पास ना एक ही चद्दर, दो है। मम्मी ने ना एक ही चद्दर, जब ये लाल वाली और ये नीली वाली, पता है मेरे ब्याह की चद्दरें हैं, अब तो नहीं कैसे उतार दे। ये दो है, नीली भी दो है और लाल भी दो है। अब मैं और ये ना नीली वाली तो ये जल्दी गंदी हो जाती है, जो लाल है ना उसे कितने ही दिन बिछा लो, वो ना मोटी चद्दर है ठंड वाली तो वो गंदी नहीं होती, तो मैं उसे उतार के उसी का दूसरा पेंट बिछा देती हूँ फिर से। फिर आप लोग समझते हो एक ही चद्दर। गाइस तुम्हें कुछ देखने को नया मिल रहा है घर में? भी तो चुन्नी सिर पदर के बैठी है। अरे नहीं डस्ट की वजह से ना जाले उतार देती। अच्छा अच्छा, बहुत दो चार दिन मारा है क्या यू ना ससुराल वाले एरिया में, तो ऐसे वो बन गई आदत। वजीराबाद में बहुत दिन रह के आई हूँ ना, तो वहाँ भी चुन्नी रहनी पड़ती है गली में। एक दिन वहाँ कच्चे में निकल गई गली में, तो अंशु कह रहा बहन फिर तू निकल गई, कोई देख के जीजू को बता देगा फिर लड़ाई होगी, अंदर चली जा। मैंने कहा क्यों? कह तेरे को पता है ना एक बार बैंक वाली बात किसी ने बता दी थी यार, जब मैं बैंक गई थी मम्मी के, किसी ने मैं कॉल कर दी थी। बड़े पावर लोग है भाई। मैंने वीडियो देखी ना, कॉल करके यूँ गई थी भाई, भाभी को ना ला सकता धूप में अकेली आई है वे, फिर मम्मी आई पीछे से, तो फिर वो क्या फिर यूँ देख रहा वो भैया, तो फिर उसे पता लग गई कि मम्मी गैल आई है। फिर आप मेरे पापा कह रहे हो बैंक को गई, मैंने कहा मम्मी की चौथ आई हूँ, फिर कह रहे मम्मी तो ना दिख रही मुझे, मैंने कहा तुम्हें दिख भी नहीं रहा मैं, और मैं सामने देख रही हूँ वो भैया को मैंने पहचान लिया कि वही तुम्हारे दोस्त है, शक्ल से ही लग रहे थे ना वो चोर जैसे। तो हंजी मेरे को कह रहा बहन अंदर चली जाए यार, फिर कोई देख के बोल देगा जीजू। एक दिन रात को जा रहा मैगी खाने, अंजू ही ऐसी बातें करता है, एक दिन रात को मैगी खाने जा रहा, मैं कहा मैं भी चल रही हूँ, तो मम्मी कह रही रहने दे फिर मम्मी देखेगा फिर लड़ाई होगी, तो कह रहा मैं तो नहीं लेके जा रहा भैया, मुझे मैं नहीं, मैं तो नहीं लेके जाऊँगा, तुझे जो खाना है लिया होगा यही रहा। 12-1 बज रहे थे यही वजीराबाद में, हाँ उसी दिन हमारे वजीराबाद में नई दुकान खुली है, वो 24 घंटे खुली रहे, तो मैंने कहा मैं भी चल रही हूँ, तो कह रहा मैं तो नहीं लेके जाऊँगा बिल्कुल भी। तो गाइस चलो ये तो अपना व्लॉग एडिट करने में लग गया। गाइस हम इन शॉर्ट से करते हैं, जो लोग पूछते हैं व्लॉग कहाँ से एडिट करते हो, तो हम यहाँ से करते हैं इन शॉर्ट। और हाँ एक्चुअली हमारे थंबनेल बनाते हैं कशिश, और लिख के आ गया 10 रुपीज लगते हैं करने में, 10 रुपये लगते हैं, आएगी तो दे दियो, 10 रुपये में बनते हैं हमारे थंबनेल। चलो गाइस तो मैं अब चाय बना लेता हूँ, यू सफाई कर रही है तो मैं चाय बनाता हूँ बढ़िया सी, तरस की होगी मैं रात की चाय पीने को, तो मानी है नहीं सी है नहीं, बनाऊ ना बनाऊ रहन तो अभी तो दिन में आया, मैं तुम्हें नाश्ता करा देती हूँ, मैंने तो बीच में करा दिया एक दिन। कब? उस दिन जब आए थे फ्लैट पे सामान लेने, हाँ रात को आए थे, टूटे हाथ पे मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, ये हाथ में सिरिंज लगी थी, सूजे हुए हाथ पे पराठे बनाए मैंने। चल कोई ना मैं बना रहा हूँ चाय, तो ठीक है बढ़िया बनाओ, खराब सी चाय तो अच्छी बनाते हो। चलो तो गाइस मैं इसे देख लो,
ये बाइक पे से तो अंदर वो ध्यान नहीं होती, खुश हो जाओगा थी मोटरसाइकिल पे ऐसा है अभी उड़ेगी। दूध भी नहीं पिया इस लड़की ने बाहर। देखो ये एक कमरे का कचरा है हमारे को, वैसे इस कमरे में ज्यादा कचरा होगा क्योंकि इस कमरे में हम ज्यादा रह गए तो इसमें ही ज्यादा कचरा रह गया। हाँ भाई बोला नहीं, ढंग से सफाई करो। ओके क्या कहते तुम, ये लाए थे कि मैं करूंगा और करनी मुझे ही पड़ रही है। तो मैं चाय बना रहा हूँ ना, ये बोल मैंने बोला मम्मी मेरी तबीयत खराब है मैं बस नहीं काम करना, मैं कब आऊंगा, झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट ही है पूरी। चलो एक मिनट रुको, फोन आ रहा है मैं अभी बात करता हूँ। गाइस देखो बर्तन भी कितने सारे पड़े हैं ऐसे ही, और निशी करेगी बेचारी सफाई, वैसे इसकी तबीयत खराब है मगर फिर भी सफाई करेगी। कहाँ करा है अरे कहाँ करा? एक सेकंड गाइस ये देखो पार्सल आया, अब इसमें पता नहीं क्या है। ये तुम्हारे बाल आया क्या है? तुम्हारे बाल सीधे करने के लिए मुझे सीधे ऐसे अच्छे लगे बाल पागल। घर में ट्राई करके देखूंगी ना, पहले खराब आ गया था फिर अब मैंने कंपनी का मंगवाया अच्छा ऑनलाइन। तो गाइस अब ये मशीन है इसकी, तेरी बाल में कर दूंगा। अरे मुझे ऐसी ठीक लगे बाल, ज्यादा सीधे हो जाए ना तो अजीब से लगे, मतलब कि विनर है वे ये बताऊं अब छोड़ो। हाँ चलिए सीधे तो गाइस बासण देख लो कैसे धड़क धड़क हो रही है, मुझे बासण मौज रही है कैसे हो बंद को। तो गाइस आई एम रेडी चाय बनाने के लिए, तो थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। मोजिस को लाइटर, ये भी भूल गया लाइटर का रखा था। आठ दिन में सब भूल गए, गैस खत्म हो गई। नीचे से ऑन करना, कर दियो ऑन तो प्लग चलाना है तुमको। गैस खत्म तो हो गई, प्लग चलाना है। चल लाल जल्दी खत्म होने वाली है। तो गाइस हमारा सिलेंडर भी खत्म होने वाला है, जब से हम आए हैं ना तो हमारा सिलेंडर जब से ही चल रहा है, और हमारे घर के जो सिलेंडर है ना दो बेर आ गए और यू जब से चल रहा है। और मेरे घर पे तीन आ गए और हम देख लो कितने बचा हुआ है। अब कोई कहेगा इनका खाना ही कहाँ लगता है, हम तो भूखे मरे। वो कौन कूटने वाला, ये मेरा, ये इतना बाहर कैसे आ गया, मैं कह रही लाल लाल के दिख रहा है। अरे कूटने वाला कौन था रखो, कूटने वाला भी भूल गए की यहाँ रखती हूँ। भूल गए यार, आठ दस दिन आया हूँ ना, लुगाई तो किसी और के धोरे ना चले गए थे करवा चौथ वाले दिन, मुझे भूल गई। गाइस पता क्या हुआ, तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना ये बोतल किसने दी, उठा लाई घर से गुन्नू के बर्थडे पे किसी ने बोतल दी है और ये अपने मारा उठा लाई। मैं मार लाई अपने मारा, तो तुमने बोला जिम ले जाऊंगा इसलिए लिए, मैंने बंदा नहीं देती हूँ। चार आदमी थे इस बोतल को ले जाने के लिए पानी के लिए, क्यूट सी है देखो, इसके ऊपर रबड़ कर छोटी सी जिसमें पानी ले जाएगा रही जी, वो है कांच की बोतल। मैं रेगुलर जिम मार रहा हूँ, फर्क तो मैं भी लग रहा हूँ। तो तुम जिम जाते हो ना, पता मुझे आड़कस सावे जाने को मन ना करता, और पहुंच गए पता थोड़े गेल के रहे ना तो और ज्यादा स्वाद आवे, साथ के इनकी गेल मारने में ना जिम और ज्यादा मजा आवे, क्योंकि मेरे पे ना शुरू से ही अकेले जिम लगती ना, तो इस मारा थोड़ा पहुंच गए चला जावे रेगुलर। देखो डोले में भी फर्क आ रहा। चलो गाइस चाय बना लेते फिर मिलते हैं। तो गाइस चाय लेट होगी पता क्यों, क्योंकि फोन आ गया चिंटू को, जानते होगे तुम मेरे यार है मतलब राहुल उसका भाई है छोटा चिंटू, तो उनके मामा यहीं है जावली में, तो वो आया यहीं वगैरह कौन है फोन आ गया, मैंने कहा यहीं हूँ फ्लैट पे, तो उसके दौरे चलो गया, फिर दो लौंडा यहीं किए जावली के मामो के लौंडा ही लगे, तो उनके दौरे बैठ गए थोड़ी देर बात बात करने लगे, तो इसलिए टाइम लग गया। टाइम कौन होनी सी हैरी, टाइम 1 बजे बोलो, 2 बजे चलना बता यार, 2 बजे हमारी चाय बन रही है इसी, हमारा यहाँ का टाइम टेबल खराब हो जा रहा है नहीं, एक तो मन मर्जी के मालिक है लेट उठे हैं, तो इसलिए चाय बन रही है और ये दवाई खा रही है, इसकी दवाई चल रही है, इतनी दवाई खाई खाली पेट की, खाली पेट भर लूँ अब खाली पेट की खाई।
तो बाहर का मत खाना, घर को कुछ भी खा बना के बनाना पड़ता है ना, दिक्कत बाहर के से। देख यू दर्जियों कैमरा के आगे टिफिन भी पागल से। चलो गाइस तो बना रहे चाय, कौन से का साफ है कौन से गंदे हैं अभी बता रहा हूँ सारे, मिलते थोड़ी देर में। जय बाबा जी। गाइस ये अपना वीडियो प्रमोशन वीडियो बना रही है और मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ, देखो इसमें पूरी पिक आ जाएगी, आ गई ना यू ना पूरा ब्लैक, मतलब ठंडा हो जाना ये गिलास कफ पूरा ब्लैक हो जावे, और जब इसमें गर्म चीज पानी गिरो या चाय वाय कुछ भी दूध वूध तो इसमें पूरी पिघल जा रही है ना मस्त। तुमने कप की वीडियो बनाई चक्कर में आधा कप चाय दे दी। और किसी भी ये ऑर्डर करवाना हो तो इसमें निशीज की ऐड करेगी तो मंगवा सकते हो, बहुत मस्त है वाकई में, देखिए पूरी पिघल है तो वैसे मतलब मस्ती है निशी है ना गर्म चीज। हां हां बहुत मस्त है, बहुत कितनी अच्छी लग रही है मेरी तेरी पिघल ना, कितने अच्छे लगे हम साथ में, और जब लड़ाई हो जावे एक दूसरे को ऐसा दुश्मन से बन जावे तो कितने बड़े दुश्मन हम। चलो गाइस हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मिलते थोड़ी देर में। तो गाइस आते ही तुमने इतना गंद मचाया, सारे में चाय चाहिए, थोड़ी सी चाय बिखर गई तो आफत बता रखी है इस लुगाई ने, याद है ना ये टेबल। तो गाइस इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बहुत दिन बाद तुम देखोगे मैं और निशी एक साथ चाय पीते हुए काम करते हुए। काम तो तुमने बोला ही था कर रहे थे तुम, बस चाय बनाई कब से, चाय बनाई है बीच में 2 घंटा गायब हो गए। लव यू यार, हमें भी ना कभी कभी ऐसी आ गया हमारी लड़ाई हो क्यों हुई इतनी यार, हम एक दूसरे के बिना ना रह ना सकते। शादी के बाद ही होने लगी है, पहले ना हुई कभी नो, पहले तकरार वाली पहले तो इतनी हुई है कि पूछो मत, पर तब भी एक भी दिन भी अलग नहीं हुए। तो जब से शादी नाश का जड़ है, जब से शादी हुई है ना तब से बीच में इतनी दरारें आ रही है, इतनी दरारें आ रही है जिसको मैं बता नहीं सकती। हमारी बहुत लड़ाई होने लगी अब, जितनी रिलेशनशिप में हुई है ना। और पता गाइस तो कुछ भी नहीं इसके है। मतलब कि यू मेरे बिना ना रह सकती और मैं इसके बिना रह सकती, हम बात बहुत बड़ी बड़ी मारी, इतनी लंबी लंबी बात चले जाके हम वो सिर आसमान सिर पर ठाले हुए कि यू कर देंगे वो कर देंगे, होना कुछ नहीं। यू कहेगी अभी मैं वो कर रही हूँ फलाना कर रही हूँ टिकट, मैं कहा तू कर ले मुझे पता कुछ करे ही ना, मैं यू और छिट जावे यू और छिट जा, मैं कहूँ हाँ ठीक है तू कर ले जा तेरे वो जो वो कर ले। अच्छा करने में ठहरा ठीक है अब तुरंत। तो गाइस चलो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जय बाबा।